नमस्ते दोस्तों, वेलकम टू लॉ हेल्प्स इंडिया। दोस्तों आज मैं इस वीडियो में मानहानि यानी कि डिफामेशन के बारे में विस्तार से बताऊंगा और साथ में ये भी बताऊंगा कि आप मानहानि का मामला कैसे कर सकते हैं। दोस्तों आप अक्सर पेपर में या न्यूज़पेपर में देखते हैं कि किसी ने कोर्ट में किसी दूसरे व्यक्ति के खिलाफ मानहानि का दावा या फिर मानहानि का मुकदमा कर दिया है या केस कर दिया है। ये सुनकर आपके मन में भी इस विषय में जानने की इच्छा उठी होगी कि ये मानहानि का मुकदमा क्या है या कौन कर सकता है या किस के ऊपर कर किया जा सकता है। दोस्तों एक गरीब व्यक्ति से लेकर एक बड़े से बड़े व्यक्ति तक उसके इज्जत उसके लिए बहुत मायने रखती है। एक व्यक्ति को अपनी इज्जत बनाने में वर्षों लग जाते हैं और इज्जत गंवाने में एक मिनट ही काफ़ी है। समाज में प्रत्येक व्यक्ति को ये अधिकार है कि वो अपने प्रतिष्ठा इज्जत ख्याति और सामाजिक सम्मान को किसी भी तरह से ठेस पहुंचाने से बचा सके और साथ ही अगर कोई व्यक्ति उसकी इज्जत और शोहरत के साथ खिलवाड़ करता है तो वो उसके खिलाफ कोर्ट में जा सकता है। किसी व्यक्ति को बेइज्जती करना, समाज में उसको नीचा दिखाने की कोशिश करना, उस पर कोई झूठा यानी कि कोई भी झूठा आरोप लगाना, झूठा बेईमान कहना, उसे गाली देना इत्यादि मानहानि के केस के अंदर आता है। चाहे ये गाली उसके सामने दे रहे हो या इंटरनेट पर दे रहे हो या उसके पीठ पीछे भी दे रहे हो, यहाँ तक कि किसी को इंटरनेट पर उल्टा सीधा कमेंट्स करना भी मानहानि के अंदर आता है और उसके लिए आरोप लगाने वाला व्यक्ति या कमेंट्स करने वाला व्यक्ति अपराधी की श्रेणी में आता है। दोस्तों सबसे पहले मैं साइबर मानहानि यानी कि इंटरनेट पर किए गए मानहानि के बारे में, हमारे देश में क्या क्या कानून है, क्या क्या धाराएं हैं, इसके बारे में मैं आज आप लोगों को सबसे पहले मैं बताऊंगा। तो दोस्तों बहुत बार हम किसी व्यक्ति को किसी पोस्ट या वीडियो के नीचे हम अपने खुद के पोस्ट या फिर किसी वीडियो में बिना कुछ सोचे समझे कुछ भी कह देते हैं, कुछ भी बोल देते हैं, लेकिन हमारे द्वारा बिना सोचे समझे कहा गया एक भी वाक्य या फिर एक भी शब्द हमारे लिए मुसीबत बन सकता है, क्योंकि जिसके बारे में हम कह रहे हैं वो चाहे तो हमारे ऊपर मानहानि का केस कर सकता है। दोस्तों सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम यानी कि हमारे देश के आईटी एक्ट के तहत कोई भी व्यक्ति कंप्यूटर, इंटरनेट या मोबाइल के मदद से फेसबुक, ट्विटर, यूट्यूब या फिर अन्य किसी भी सामाजिक वेबसाइट यानी कि सोशल मीडिया और उपकरणों से किसी की मानहानि करता है तो 3 साल तक के कैद या जुर्माना या फिर दोनों एक साथ भी हो सकता है और इसे क्रिमिनल ऑफेंस माना जाएगा यानी कि हमारे ऊपर एक क्रिमिनल होने का धब्बा लग जाएगा। दोस्तों इस विषय पर मैंने पहले भी एक वीडियो बनाया है कि ये सिस्टम कैसे काम करता है, ये सब सिस्टम कैसे काम करता है, इसके ऊपर मैंने पहले ही एक वीडियो मैं बना चुका हूँ, तो आप चाहे तो उस वीडियो को देख सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों अगर हम किसी व्यक्ति के ऊपर कोई भी टिप्पणी कर देते हैं या फिर कोई भी टिप्पणी कर रहे हैं जो कि वो व्यक्ति सच में है, जैसे कि किसी चोर को चोर कहना या फिर किसी शराबी को शराबी कहना, तो ये सब मानहानि के मामला नहीं आएगा, ये सब मानहानि नहीं माना जाएगा, लेकिन फिर भी वो व्यक्ति हमारे ऊपर मानहानि का केस कर सकता है और अदालत में हमें ये सबूत देना होगा कि हमने जो कहा है वो व्यक्ति असल जिंदगी में सच में वो व्यक्ति वही है। अगर वो शराबी, हमने उसे शराबी कहा तो सच में वो शराबी है, ये हमें प्रूफ करना पड़ेगा अदालत के सामने। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम बिना किसी सबूत के किसी के ऊपर कुछ भी गलत टिप्पणी नहीं कर सकते। दोस्तों इसके अलावा किसी भी जाति व समुदाय से संबंधित किसी व्यक्ति को नीचा दिखाना या फिर दिखाने के उद्देश्य से उसकी जाति, समुदाय और उसके धर्म के बारे में अपशब्द कहना मानहानि के अंदर आता है। लड़ाई झगड़े के दौरान किसी को अपशब्द कहने से भी व्यक्ति पर मानहानि का मुकदमा चल सकता है। इसमें अगर कोई भी व्यक्ति किसी के व्यवसाय को लेकर भी उसकी बेइज्जती करता है, जैसे कि तुम्हारे समाज का काम ही है, तुम मलमूत्र उठाते हो, ये सब तुम्हारे समाज का ही काम है, इस तरह का जो वाक्य है, इस तरह का जो वर्ड है, ये सब कहना भी, इस स्थिति में भी व्यक्ति पर मुकदमा यानी कि व्यक्ति पर मानहानि के मुकदमा चलाया जा सकता है। तो दोस्तों इस वीडियो को लाइक, शेयर और नीचे कमेंट करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।